मुझे सुनने और देखने वालों को सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। फिर मेरे चैनल के होम गार्डनिंग में आप सबको खुश आमदीद। अल्टर नेंथरा इस प्लांट का नाम है और नर्सरी वाले इसे नेंथरा प्लांट भी कहते हैं। तो बहुत ही ये हार्डी प्लांट है और साल भर चलता है पूरा ये, और इसे ग्राउंड फ्लोर ग्राउंड्स पे भी लगाया जाता है, मतलब के वो इसको बॉर्डर प्लांट भी कहते हैं। तो ये बहुत ही बुशी प्लांट होता है और ये इसकी ज़्यादा हाइट नहीं होती, 1 फुट तक ही इसकी, तकरीबन 1 से 1.5 फुट इसकी हाइट बनती है। और इसको बार बार पिंचिंग करते रहने से ये बहुत ही जल्दी बुशी प्लांट बन जाता है और बहुत ही खूबसूरत ये प्लांट बन जाता है। मेरे पास 2 पौड़े मेरे पास अभी ये 2 पौड़े मैं नर्सरी से लाया हूँ, 40-40 रुपए के मैं ये 2 पॉट खरीद कर लाया हूँ। तो दिखने में बहुत खूबसूरत, अभी ये छोटे हैं और मैं इसकी अब पिंचिंग करूँगा तो बहुत जल्द जो है ना ये बुशी प्लांट में बदल जाएगा। अभी सर्दियां हैं, सर्दियों में थोड़ी सी इसकी ग्रोथ स्लो हो जाती है, लेकिन जैसे ही गर्मियां आएगी तो ये प्लांट तेज़ी से अपनी ग्रोथ को शुरू कर देगा। इस प्लांट की खासियत ये है कि ये एक ही प्लांट और इसके कलर चेंज होते रहते हैं, सर्दी में कलर अलग होता है और गर्मियों में इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाता है। और इस प्लांट की खासियत यह है कि सर्दियों में भी इसे फुल धूप में रखना होता है और गर्मियों में भी इसे फुल धूप में रखें। ये प्लांट की खासियत है कि यह फुल धूप गर्मियों की भी बर्दाश्त कर सकता है और इसे पानी ज़्यादा पसंद नहीं है, मतलब इतना पानी प्लांट को दे कि मिट्टी इसकी मॉइस्ट रहे, मतलब इसको आप तभी पानी दें जब हाथ लगाने पर इसकी मिट्टी आपको सूखी हुई मालूम हो, तो आप इसे पानी दें। और इसकी मिट्टी वेल ड्रेन होनी चाहिए, मतलब के मैं इसमें भालू मिट्टी यूज़ करता हूँ और 70% भालू मिट्टी है और 30% काउ डंक यानी गाय का गोबर है। तो बहुत ही खूबसूरत आप देख सकते हैं कि इसके पत्ते हैं और अभी भी इसमें 2 शेड नज़र आ रहे हैं, अपना रेड के करीब है, डार्क ब्राउन है और साथ ही ग्रीन शेड भी इसमें दिखने को मिल रहा है। तो बहुत ही हार्डी प्लांट है ये, और ये प्लांट की खासियत ये है कि अगर आप इसे खाद ना भी दें तब भी ये ग्रोथ करता रहता है। आप इसे 6 महीने साल में एक बार खाद दे दें तब भी इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी सी होगी, मतलब ये वैसा प्लांट नहीं है कि वीकली खाद मांगे, ये आप इसको 6 महीने में साल में एक बार खाद दे दें इससे तो भी ये बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। तो देखने में तो बहुत ही अच्छा प्लांट है ये, अभी मैं फ़िलहाल लेकर आया हूँ। अब जब इसकी ग्रोथ होगी, जब ये बुशी बनेगा तो मैं आपको इसकी वीडियो शेयर करूँगा। आप देख सकते हैं अभी खाली जगह दिख रही है इसमें, लेकिन इसकी पिंचिंग करते रहने से ये गमले में जो खाली जगह दिख रही है ये सब छुप जाएगी, मिट्टी तो इसकी दिखेगी नहीं बल्कि आपको हाथ से हटाकर इसकी मिट्टी देखनी पड़ेगी। तो बहुत ही हार्डी प्लांट है ये, साल आ साल चलता है और कटिंग से इजीली ग्रो हो जाता है ये प्लांट। बस आप पिंचिंग करें और थोड़ी सी इसकी कटिंग लगा के काट के साइड भी लगा दें तो साइड से ही जो है ना ये दूसरी इसकी ग्रोथ भी शुरू हो जाती है। बहुत फास्ट इसकी ग्रोइंग है और बहुत ही बेहतरीन प्लांट है, अल्टर नेंथरा इसका नाम है और नर्सरी वाले इसे नेंथरा प्लांट कहते हैं। तो आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कुछ सवाल आप पूछना चाहते हैं तो वो कमेंट करें। और अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अल्लाह हाफिज़।